ऑप्शंस फॉर एक्स्ट्रा इनकम। आज हम ऐसे लेडी से मिलने वाले हैं जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब करती थी, लेकिन उन्होंने खुद की जॉब क्विट की और खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। ऑर्गेनिक और हस्तकला का उनका बिजनेस है। तो आज हम मिलेंगे अनुपमा जी से और बात करेंगे उनकी जर्नी के बारे में। अनुपमा जी से हम बात कर रहे हैं उनकी जर्नी के बारे में। अनुपमा जी, जरा थोड़ा सा बताइए, आपने कभी ये स्टार्ट किया, अपने जॉब क्यों छोड़ा और आपका एक्सपीरियंस क्या है? थैंक यू सो मच, आप आए और आपने इंटरेस्ट दिखाया हमारे बिजनेस में, हमारी मेरी जर्नी में। सो वेल, आई एम एन एमबीए मार्केटिंग और 10 साल मैंने कॉर्पोरेट जॉब, तो वो सब 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद फिर कुछ ऐसा लगा कि जॉब नहीं करना, खुद का कुछ करना। बट रीज़न जो एक्चुअली बना वो था कि मेरे दो छोटे बच्चे हो गए थे, दोनों लड़के थे, और दोनों को ध्यान रखने के लिए मुझे जॉब छोड़ना पड़ा। तो मेरी इच्छा यही थी कि मैं खुद का बिजनेस शुरू करूँ। उसी में थोड़ा टाइम लगा कि बिजनेस क्या करें, और इसी टाइम पर हमारे जो डॉक्टर थे मेरे बेटे के, बड़े बेटे के, उन्होंने कहा कि आपको ऑर्गेनिक फूड अपने किचन में लाना चाहिए, आपके बेटे के ट्रीटमेंट के लिए वो अच्छा रहे। आपने भी काफी टाइम सोचा कौन सा बिजनेस करना चाहिए, उसके बाद आपने ऑर्गेनिक बिजनेस स्टार्ट किया। सो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले इसकी जरूरत भी हो गई थी मेरे खुद के घर में, कि मुझे मेरे घर के लिए ऑर्गेनिक चाहिए था। और उस प्रोसेस में फिर ये मुझे समझ में आया कि ऑर्गेनिक आसानी से मिल नहीं रहा है और महंगा भी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं शुरू करूँ और मैं दूसरों को भी अवेलेबल करूँ, मेरे घर के लिए भी होगा और दूसरों के लिए भी होगा। एंड इसी तरह से मेरी जर्नी शुरू हुई ऑर्गेनिक बिजनेस। हमारा जो ऑर्गेनिक है, जैसे आपको मैंने बताया कि शुरुआत इसलिए की थी कि हमारे घर में जरूरत थी, और फिर ऐसा लगा कि औरों को भी मिलना चाहिए। उसके बाद जितना जितना मैं ऑर्गेनिक के बारे में और उसमें घुसी, और मुझे जितना समझ में आने लगा कि फार्मर्स आज की तारीख में क्यों सुसाइड कर रहे हैं, महाराष्ट्र में तो बहुत ज़्यादा है ये। वो इसलिए है कि वो इतना सारा केमिकल यूज़ करते हैं अपने उगाने के लिए कुछ भी, और वो बीज भी हर साल नया खरीदते हैं, फिर हर साल उनको पानी बहुत ज़्यादा डालना पड़ता है, क्योंकि वो केमिकल जो है वो पानी के थ्रू ही फसल में जाता है अंदर, तो उसके कारण उनका कोई मुनाफा नहीं होता है। तो उसका तोड़ यही है कि वो नेचुरल या ऑर्गेनिक खेती करें। और जब ये बात मुझे समझ में आई कि जब आप हमारा फार्मर नेचुरल खेती करता है, पहली बात उसकी फसल छोटी साइज की होगी, दूसरी बात एक जैसी नहीं होगी, उसका डिज़ाइन अलग होगा, कोई टेढ़ी मेढ़ी सब होगी, लेकिन फ़ायदा क्या है, उसका टेस्ट ओरिजिनल होगा, उसका उसमें जो आपको हेल्थ मिलेगी वो सबसे बेस्ट मिलेगी। तो यही दो चीज़ें तो हमको एक्चुअली चाहिए, करेक्ट? तो हम एज धानी फूड्स, हम ये कोशिश करते हैं कि हम नेचुरल फार्मर्स को डायरेक्ट अप्रोच करें, जहाँ भी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से बाहर भी, जैसे अभी हमारे एप्पल्स हैं वो तो किन्नौर से भी आ रहे हैं। तो जो सब्जियां हैं हम कोशिश करते हैं हमारे आजू बाजू से, जैसे वाड़ा से आ रही है, पूना से आ रही है, नासिक से आ रही है, तो ये आजू बाजू की जगह है जो ओवरनाइट हमारे पास आ जाती है। बट ये सारे वही फार्मर्स हैं जो केमिकल यूज नहीं करते, और जितने साल वो केमिकल नहीं यूज करेंगे उनकी जो जमीन की उपजाऊता है वो और बढ़ती चले जाती है। तो हमें एज कंज्यूमर्स, मतलब जो हम खरीदने वाले जो होते हैं, कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि हम ऐसे ही फार्मर्स को सपोर्ट करें, ताकि हमारा फार्मर ऑर्गेनिक और नेचुरल खेती करे और हमारी ज़मीन अच्छी हो। वही ज़मीन नहीं तो वही केमिकल जो हम ज़मीन में डालते हैं वो नीचे जाता है, पानी में जाता है, पानी से वो हमारे ही घर में वापस आता है। और आजकल जो आप कैंसर और कितनी सारी बीमारियाँ देख रहे हैं वो इसीलिए है, क्योंकि हम खाना ही अच्छा नहीं खा रहे। और जितनी भी आप सुंदर सुंदर सब्जियां खरीदते हैं ना केमिकल वाली, उनमें कोई भी वैल्यू नहीं है, कि आपकी बॉडी को कुछ भी नहीं लगता है। सो प्लीज़, ये सबसे मेरी दरख्वास्त है कि चाहे आप कम खरीदिए, कम खाइए, लेकिन अच्छा खाइए, अपने हेल्थ के लिए और हमारे वातावरण के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए और हमारी वहाँ की बहनों के लिए। तो वही कोशिश हमारी है हमारे धानी फूड्स के थ्रू, कि हम सबको हेल्दी फूड दे सकें, और डायरेक्ट फार्मर से खरीदते हैं और आपके हम घर में बेचते हैं। तो आप चाहे मीरा रोड से बैंड्रा तक कहीं भी रहते हो, हम आपको होम डिलीवरी करते हैं। आप ऑर्डर हम पहले एडवांस में लेते हैं, ताकि जितना हमारा ऑर्डर है फार्मर हमको उतना ही हार्वेस्ट करके, तोड़ करके सब्जी देता है। सो ये हमारा ऑर्गेनिक फूड का मॉडल है। अब इस मॉडल में हमारी कोशिश ये है कि जिस एरिया में हमारा दुकान है,
हम उस एरिया को कैटर करें ताकि सब फ्रेश मिले, लोकल लोग आकर के भी उठा करके सामान ले जा सके हमारे यहाँ से। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हमारी कोशिश ये है कि अगले एक साल में हम कुछ और फ्रेंचाइजी या पार्टनरशिप स्टोर्स खोलें हमारे वेस्टर्न रीजन में, मुंबई के अंधेरी ईस्ट, अंधेरी वेस्ट, या उससे पहले गोरेगांव में कहीं। तो वो हमारी कोशिश है। तो धानी फूड्स की फ्रेंचाइजी हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे धानी फूड्स के सेक्शन में हमारा एक और, हम जो लोगों को मदद करते हैं वो ऐसा है कि हमारे पास कभी कभी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स बच जाती हैं, तो या अनाज बच जाता है, तो हम उसका कुछ और बनाते हैं। जैसे कि अगर फ्रूट्स बच गए तो हम जैम बना लेते हैं, टमाटर बच गए तो हम सॉस बना लेते हैं, और अगर अनाज बच गया तो उसको यूज पका के हम लड्डू बना लेते हैं। ये सब ही हेल्दी होता है, किस विदाउट केमिकल्स। तो अगर आप अपना खुद का बिजनेस भी शुरू करते हैं, इसीलिए आपको कुकिंग आती है, आप कुछ अच्छा बना सकते हैं इस रेंज में, पापड़ भी बना सकते हैं, मोदक, उगड़ीचे मोदक हमारे बहुत अच्छे हुए थे इस बार गणपति में, और वो भी लेडीज बना करके हमको देते हैं। तो अगर आप कुछ ऐसा करते हैं तो आप हमको रीच आउट कीजिए, हम आपसे सामान लेकर के आगे बेचेंगे। सो ये एक और तरीका है जो हम लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, अपना खुद का छोटा बिजनेस शुरू करेंगे। हमसे शुरुआत कीजिए, फिर आगे बढ़िए आप अपने आप। सो प्लीज ट्राई। थैंक यू। अनुपमा जी को रिसेंटली 2 अवार्ड मिल चुके हैं। सो रिसेंटली एज लास्ट वीक मुझे मातृभूमि में कम्युनिटी है, वुमेन्स कम्युनिटी, उनके थ्रू पीफा अवार्ड मिला है, पिनेकल फेम अवार्ड फॉर ऑर्गेनिक, बेस्ट ऑर्गेनिक एंटरप्रेन्योर का, एंड आई एम थैंकफुल टू देम। और उससे पहले करीब एक महीने पहले मुझे हुनर नेटवर्क के थ्रू हुनर रत्न अवार्ड मिले थे, जो भी दोनों ऑर्गेनिक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मिले थे। सो ये 2 अवार्ड ये साल के हैं जो ऑर्गेनिक बिजनेस में मिले हैं। उससे पहले मुझे वाओ अवार्ड मिल चुका है, वो हैंडीक्राफ्ट्स के लिए था, और एक और अवार्ड मिला था जो भी हैंडीक्राफ्ट्स के ऊपर था, कि आर्ट्स, आर्टिसन एंड आर्टिस्ट्री। थैंक यू अनुपमा जी, आपने अपना कीमती समय दिया और अच्छे विचार आपने यहाँ पे दर्शकों के लिए प्रकट किए हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और सभी फ्रेंड्स को आप शेयर भी करिए। थैंक यू।